बच्चों नमस्कार, हम एसएमडी सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टडी करने से पहले आज एसएमडी आईसी की डिसोल्डरिंग करना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसएमडी आईसी की डिसोल्डरिंग का प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए पूरे पेशेंस की जरूरत है हमें, जितना हो सके उतना पेशेंस रखना है हमें। इसके लिए आपको सिर्फ इसको अच्छे से हीट करना है, जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल जोर से निकालना है, प्रेस करना है। नहीं तो इसके जो पिंस हैं, ट्रैक्स हैं, वो उखड़ने का भी खतरा रहता है। ठीक है बच्चों, इसकी पिन की तरफ ज्यादा मारना है, ऊपर नहीं, क्योंकि सोल्डरिंग वहीं पर हो रखी होती है ना। आप देखोगे कि थोड़ी देर में ये मेल्ट होकर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने एक हाथ में एक पिन पकड़ रखी है, तो इस पिन की हेल्प से इसके ऊपर हमें थोड़ी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है, ये खुद ही थोड़ी देर में डिस्प्लेस हो जाएगा। और इस प्रोसेस के बाद हम इसकी सोल्डरिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको बराबर बराबर हीट को मारना है, बिल्कुल बराबर, कहीं पर ज्यादा या कम भी नहीं मारना है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्स का नुकसान हो जाए। कोई भी आपके पास पतली ब्रीक चीज है, उसके साथ इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब ये खुद ही डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। बराबर बराबर हीट हमें देनी है, ये डिस्प्लेस हो गया, देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने साइड में रख लिया इसे। ये हमने इसकी डिसोल्डरिंग कर दी है। थैंक यू।